हेलो स्टूडेंट्स, चलो फिर मिल गए आपके साथ तीसरी वीडियो के अंदर, जहां पे मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट थर्ड फेस लेने वाला हूं, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्शंस फॉर्मूला। सो सेक्शन फॉर्मूला ये बेसिकली क्या है? ये आपको दो पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए पॉइंट है ए, एक्स वन वाई वन, और मेरे पास एक दूसरा पॉइंट है, यहां करीब साइड में बना लेता हूं मैं, बी एक्स टू वाई टू। हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो निकाल चुके हैं, तो हम लोग इनके बीच में एक पॉइंट निकालना चाहते हैं। मान लीजिए पॉइंट है सी, क्लियर। अब अगर ये सी पॉइंट है, मैं निकालना चाहता हूं इसके कोऑर्डिनेट्स, और अगर ये दे दिया जाए कि ये एम इज टू एन रेशियो में एक दूसरे को कट करते हैं, कैसे निकालें कोऑर्डिनेट्स? तो इसके लिए पहले मेरे को बनाने होंगे इसके ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इज देयर। तो ऐसे में मैंने क्या किया, ये आपको जैसे मैंने पहले भी बता रखा था, ये पॉइंट है एक्स वन, ये तो चिटिंग हो जाएगी ना, तो इसको मैं काम करता हूं, इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूं। तो ये पॉइंट है मेरे पास एक्स वन, और ये पॉइंट है एक्स टू, क्लियर। यहां पर देखो, ये पॉइंट है मेरे पास वाई वन, और ये जो पॉइंट है ये है y2। अब ये अगर ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हो, तो बच्चों मैं इसको एक एक्सटेंड कर रहा हूं आगे। मान लीजिए यहां पे पहुंच गए हम, और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं मालूम, तो मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं सिर्फ x और y। तो एक तो मैं यहां पे देख लूं, भाई ये नीचे पॉइंट क्या होगा बताओ, x होगा ये, क्लियर। और ये जो इस तरफ लेके आऊंगा मैं, दिस पॉइंट इज y। नाउ इट विल बी वेरी सिंपल अगर मैं इसको भी और एक्सटेंड कर दूं। तो बच्चों देखो, यहां पे इंटरेस्टिंग दो ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं, तो मैं ट्राइंगल्स को एक बार हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोग उनको देख सको। सो ये रहे हमारे वो दोनों ट्राइंगल्स, एक ये रहा और एक ये रहा। ये जो दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल में ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हो गए हमारे पास दो 90 डिग्री, जो सफिशिएंट है मेरे को प्रूव करने के लिए कि मेरे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, क्योंकि सिमिलर प्रूव करने के लिए दो एंगल्स का होना जरूरी है। तो इन दोनों फिगर्स को अगर मैं देखूं, इनके नाम लिख लेता हूं पहले, ये ए सी बी, इसका नाम लिख दिया मैंने एम और इसका लिख दिया मैंने एन। तो आप देख सकते हो कि वी आर हैविंग, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है मेरे पास, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनी हुई है। तो ऐसे में मैं यहां कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए एन सी एंड ट्राइंगल सी एम बी, इन दोनों ट्राइंगल्स में यहां पे एंगल वन और वन इक्वल है। एंगल वन और टू ले लेता हूं इसको, चलो ये तो चिटिंग हो जाएगी अगर मैं दोनों को वन ले लूं, तो ये हो गया एंगल टू। एंगल वन जो है वो एंगल टू के इक्वल है, और एक 90 डिग्री है, लेट इट बी एंगल एन और उधर का एंगल एम। तो ये दो सफिशियंट है कहने के लिए कि ए एन सी ट्राइंगल इज सिमिलर टू सी एम बी। ओके, अब सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो रेशियो में होती हैं। तो मैंने यहां से उठाया सबसे पहले पहली साइड और इधर से पहली साइड, क्या नाम बनेगा जरा चेक करें। तो मेरे पास आएगा ए एन अपॉन सी एम, फिर लिया मैंने सेकंड ऐसा, तो ये हो जाएगा एन सी एंड एम बी, और तीसरा क्या हो जाएगा ए सी अपॉन सी बी। ये है हमारे पास वो मेन अस्त्र जिससे हम लोग इसके फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। बच्चों डेरिवेशन आती नहीं है, पर डेरिवेशन समझोगे नहीं तो हमें कॉन्सेप्ट कभी समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारे पास पार्ट है। अब बात आ गई हमारे पास, ये ए एन कहां से निकालेंगे, ए एन निकलेगा यहां से, और ये डिस्टेंस तो बच्चों आपको मालूम है, फाइनल माइनस इनिशियल से निकालते ही हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, ये ए एन की जगह लिख देता हूं एक्स माइनस एक्स वन, और सी एम क्या है, सी एम यहां पर है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हो, ये पॉइंट था मेरे पास एक्स टू, करेक्ट, और x2 में से मैंने x को माइनस किया, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x। फिर आगे nc, अब ये nc यहां पे है, ये डिस्टेंस, तो भाई ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फिर से वही फाइनल माइनस इनिशियल, तो y माइनस y1 अपॉन में ये डिस्टेंस लेना है, क्योंकि ये कौन है bn, ये लिखा हुआ है mb या bm, mb bm सेम, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y। और ac, अब ये डिस्टेंस तो भाई हमारे पास है ही m इज टू n,
तो यहां पे मेरे को इस रेशियो का अब यूज करना है ताकि मैं सारी चीजें निकाल सकूं। तो चेक करते हैं इस रेशियो को हम लोगों ने यूज कैसे लेना है। तो पहले और आखिरी वाले रेशियो को लेते हैं, तो देखिए क्या मिला, x माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन एन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्या बन जाएगा एन एक्स एन एक्स वन एम एक्स टू एम एक्स। तो ये x की टर्म और ये x की टर्म एक तरफ ले जाता हूं, तो एम एक्स एन एक्स और ये वाली टर्म जो है यहां माइनस का था इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये उधर जाएगा, तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। तो यहां पे देखो x कॉमन आ गया, m प्लस एन बच गया और ये कितना हुआ एम एक्स टू एन एक्स वन। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एम एक्स टू एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। बच्चों डेरिवेशन भी जरूरी होता है। इसी तरीके से जैसे यहां मैंने क्या लिया है, मैंने फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो को लिया था, इसी प्रकार अगर मैं आपके साथ सेकेंड एंड थर्ड को ले लूं तो मेरे पास डेफिनेटली जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा एम वाई टू एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। डेरिवेशन में ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत इजी थी, बट हम लोग कर सकते हैं, समझ में। अब बार बार इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना पॉसिबल तो नहीं है, तो इसके लिए तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं। और ट्रिक क्या है पता है, मैं हम M से एक एरो मार्क बनाएंगे उस तरफ और N से इधर एरो मार्क बनाएंगे, बस ये दो डायरेक्शंस बना लेना, इससे हमें बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाएगा। M हमेशा उधर वालों से ही मल्टीप्लाई करेगा, N हमेशा इधर वालों से मल्टीप्लाई करेगा। तो पहले x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो M उधर से मल्टीप्लाई करेगा यानी कि एम एक्स टू, फिर N इधर वाले x से करेगा एन एक्स वन अपॉन, दोनों को जोड़ देना, और इसी प्रकार m मल्टीप्लाई करेगा उधर से तो एम वाई टू, और n इधर वालों से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। सो इजी टू रिमेंबर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c जो इसको m इज टू n के रेशियो में कट कर रहा है, इज इट इजी। इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर मैं कह दूं m इज टू n जो है वो 1 इज टू 1 हो जाएगा, तो ये सेक्शन फॉर्मूला बन जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m और n की जगह मैं 1 डाल दूंगा तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, इजंट इट इजी। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके बताता हूं कैसे इसको यूज में लेना है। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लाइन ज्वाइनिंग a पॉइंट 3,5 और एक और पॉइंट है मेरे पास से -5,2, इसको हमारे किसी पॉइंट ने कट किया है, हम इस कोऑर्डिनेट्स इस सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम, कोई भी रेशियो ले सकते हो, 2:3 ले लें, सो लेट अस टेक 2:3। अब कौन इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखे, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो ऐसे करके एक धनुष बना देंगे, इससे हम लोग बहुत आसानी से इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। कैसे, अब 2 जो है वो उधर वालों से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 × -5, अब 3 × 3 एक्स कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई किया, नीचे दोनों को जोड़ दिया, अब उठाएंगे वाई कोऑर्डिनेट्स, 2 मल्टीप्लाई करेगा उधर से और 3 मल्टीप्लाई करेगा इधर वालों से 5 से, सो दिस इज 2 + 3। दिस इज हाउ वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी विच डिवाइड्स इन द रेशियो 2:3। अब ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो, -10 + 9 अपॉन, सॉरी दिस इज 2:3, सो ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये कितना हुआ 4 + 15 अपॉन में 5। तो बच्चों ये क्या आ गया, ये बन गया -1/5 और ये हो जाएगा 19/5। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई द सेक्शंस फॉर्मूला, इजंट इट इजी। सो वेरी सून आई विल बी गोइंग टू टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस फॉर यू, ताकि हम इन तीनों को जो मैंने आपको तीनों वीडियोस के अंदर बताया था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है सेक्शन फॉर्मूला, लास्ट वीडियो को जरूर देखना जहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये हमारे पास दो मेन है, तीसरा और है वो जो मैं जल्द आपके साथ उस वीडियो को भी लेके आऊंगा। मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करो एंड आई थिंक ये क्लियर हुआ है, खासकर ये शॉर्टकट टेक्निक। कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग
एंड टेल द अदर पर्सन टू सब्सक्राइब. बाय.